स्वागत है आप सभी साथियों का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। साथियों, आज है 14 जून 2020, और 14 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में देखेंगे हम। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथियों, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए डेली ये 5 मिनट की वीडियो लेके आता हूँ, और डेली आप ये सुबह उठने के बाद तुरंत 5 मिनट की वीडियो देखें, उसके बाद बाकी का काम करें। मान लीजिए आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस 5 मिनट की वीडियो से आपका एक ही क्वेश्चन फंसता है तो आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है। तो डेली सुबह उठने के बाद ये 5 मिनट की वीडियो देखें, उसके बाद बाकी के काम करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहले का क्वेश्चन होगा आपका, चलिए देखिए, आज का पहले का क्वेश्चन होगा आपका ये। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है हमारे डॉक्टर रतनलाल ने। ऑप्शन ए, डॉक्टर रतनलाल ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ये जीता है 11 जून को। कब जीता है? 11 जून को जीता है। ये खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में सहकार मित्र योजना शुरू की। हाल ही में सहकार मित्र योजना शुरू की आपकी। ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन ए 12 जून को। अच्छा, शुरू किसने की है? केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने शुरू की है। किन्होंने? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू की है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, भारत का पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड के पार पहुंचा। ये कितना पहुंचा है? ये पहुंचा है आपका 500 अरब डॉलर। कितना? 500 अरब डॉलर पहुंचा है मुद्रा ये आपका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय है आपका ऑप्शन ए कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये। क्या है? अग्रणी एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर्स कॉमर्स है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। कब की गई थी? 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपनी पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है अमेजन। किसने? अमेजन। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? सॉफ्टवेयर है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। उसके लिए पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है 1 वर्ष के लिए। कब तक? 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? तो यह सलाह जारी की है आपकी CITES, ऑप्शन ए CITES ने सलाह जारी की है ये। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, हाल ही में अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। जो हाल ही में ये मनाया गया आपका ऑप्शन ए 13 जून को, 13 जून को मनाया गया। अल्बिनिज्म से होने वाले हमले तथा उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है ये। ये क्या है अल्बिनिज्म? अल्बिनिज्म है एक, ये दुर्लभ वंशानुगत रोग है। क्या है ये? दुर्लभ वंशानुगत रोग है अल्बिनिज्म। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ये, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित 6 महीने तक कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगा दी है आपके पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। किसने? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक ने 6 माह तक रोक लगा दी है ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर, 6 माह तक रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, हाल ही में निशावा किस ग्रुप के चेयरमैन और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके गोदरेज ग्रुप के। कितने? गोदरेज ग्रुप के नियुक्त किए गए हैं, और इनकी एज है
42 वर्ष, कितनी है 42 वर्ष के हैं ये, और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये सात वर्ष के बाद किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, 7 वर्ष के बाद किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका जो कमेंट बॉक्स में पूछा था हमने वो है हाल ही में किस गुजराती अभिनेता का निधन हो गया? तो हाल ही में जो गुजराती अभिनेता का निधन हो गया है वो हो गया आपका जयेश मुकाती का, किसका जयेश मुकाती का निधन हो गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वो ये है आपका सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? तो वाहनों की जो वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।